हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। कैसे हो आप लोग? होप करता हूँ कि सारे भाई अच्छे होंगे। तो भाई साहब, अभी देखो बाहर क्या कंडीशन है भाई। धूप खतरनाक, एकदम यार खतरनाक। और इसी धूप में मैं भाई निकलने वाला हूँ। आज काफ़ी दिन बाद मैं शोरूम जाऊँगा, कुबोटा के शोरूम। और भाई साहब, शोरूम पहुँच के आपको आज दिखाएंगे क्या सीन है शोरूम का। तो सीन तो सारे सेम ही है, मतलब कुछ ऐसा डिफरेंट नहीं। बस काफ़ी दिन हो गया मैं भाई शोरूम नहीं गया था, तो मैं सोचा कि भाई चलते हैं शोरूम, चलते हैं आज विजिट करते हैं और थोड़ा देखते हैं कैसे क्या क्या चीज़ें हो रही है वहाँ पे। और अभी तो फ़िलहाल मैं घर पे हूँ, जैसा कि आप लोग देख रहे हो कि ये घर का लोकेशन है, तो भाई घर पे ही हूँ। बाकी इतने धूप में भाई हिम्मत तो नहीं हो रही है निकलने की, क्योंकि मुझे बाइक से ही जाना है। बट फिर भी हिम्मत बना रहे भाई किसी तरीके से, और निकलेंगे यहाँ से, फिर चलेंगे शोरूम। वहाँ पे शोरूम पे थोड़ी देर रहूँगा, 1-2 घंटे, थोड़े काम धाम वहाँ पे हैं। उसके बाद वहाँ से भाई सीधे निकलूँगा मार्केट में। उसके बाद मम्मी की दवा भी लेनी है थोड़ी, तो दवा ले लेंगे वैसे चल के शोरूम से होके। बाकी देखो क्या सीन होता है, अभी हम निकलते हैं भाई, बाइक उठाते हैं। सबसे पहले भाई हेलमेट ले लूँ, हेलमेट देखो छूट रहा था, तो भाई हेलमेट लेते हैं फिर निकलते हैं। भाई साहब फाइनली मैंने हेलमेट देखो ले लिया। और भाई आप भी बाइक वगैरह चलाओ तो प्लीज़ वियर हेलमेट, तो ये सेफ चीज़ है, आप इसको कर लिया करो। बाकी मैं तो करता ही हूँ, अपनी तरफ से ध्यान रखता हूँ पूरी। और अब इसी बात को भाई ख़त्म करके और निकलते हैं शोरूम के लिए, और पहुँचते हैं शोरूम फटाक से, और फिर वहाँ पर करते हैं सारी बातें। बाकी इधर देखो भाई बाइक खड़ी है, धूल मिट्टी से एकदम भाई उड़ चुके। तो भाई निकलता हूँ, वीडियो वहीं कंटिन्यू करेंगे शोरूम पे पहुँच के। गाइस फाइनली मैं शोरूम आ गया कुबोटा के, और ये देखो उनको मैं बैक कैमरे से दिखा, ये लो गाइस। और अब चलते हैं हम अंदर भाई सीधे, काफ़ी दिन बाद मैं आ रहा हूँ, तो मुझे नहीं पता भाई 4x4 पता नहीं होगा कि नहीं होगा इस टाइम शोरूम के अंदर। तो अभी चलते हैं देखते हैं। ये लो भाई, मतलब अवेलेबल है अभी तक, ये गया नहीं। ये देखो भाई साहब, मतलब यार इतनी लंबी बुकिंग करके कौन रखता है ऐसे, मतलब बुक करके पैसे भी देके और उसे मतलब ले ना जाए। तो हो सकता भाई बहुत सारी चीज़ें होती हैं, प्रोसेस होते हैं। तो अभी तक तो भाई यहीं पे ही है, बाकी और सारे भी ट्रैक्टर हैं भाई। ये भी 21 वाला भी है, अभी ये भी किसी ने बुकिंग पे ही मंगाया है, और ये भी है। तो अभी चलते हैं भाई शोरूम के अंदर, केबिन में चलते हैं और फिर बताते हैं आपको सारी चीज़ें। तो भाई साहब फाइनली मैंने देखा कि मतलब अभी वो ट्रैक्टर है 4x4, बाकी 2-व्हील ड्राइव तो भाई लगभग जाते ही रहते हैं, आते ही रहते हैं नए। तो अभी तो भाई 4x4 है कुबोटा का। और भाई एक चीज़ आपको ये बता दूं मैं, इधर देखो भाई ये भी है, ये भी इटवा नहीं गया है और यहीं पे ही अभी स्टैंड है। तो एक चीज़ और बता दूं भाई, यार कुबोटा में जो 5502 है भाई, सबसे कंफर्टेबल ट्रैक्टर यही है। मतलब कि 5502 के जितना मुझे 5501 कंफर्टेबल लगता है, और ना 4501, मतलब सबसे कम्फर्ट की बात करें तो भाई 5502 में कम्फर्ट मिलती है, जो कि भाई जिसका सीट थोड़ा डिफरेंट है और ट्रैक्टर से। और बाकी भाई सारी चीज़ वही है, सीसी वगैरह वही है, लेकिन मीडियम गियर है तो भाई ये चीज़ें थोड़ा डिफरेंट बनाती हैं और ट्रैक्टर से। बट भाई कंफर्ट का कुछ नहीं पूछना। और अभी भाई टाइम हो रहा भाई 4, और मैं 4 बजे का ही सोचा था कि मैं 4 बजे तक शोरूम आ जाऊँगा। बाकी यहाँ थोड़े बहुत काम थे, तो काम तो मैंने देख लिया, और शोरूम की भी भाई टूर हमने करा ही दी आपको इतने दिन बाद। मैं खुद ही आ रहा हूँ काफ़ी दिन बाद, तो मुझे नॉलेज था नहीं कि क्या हो रहा है क्या नहीं। तो मैं सोचा चलता हूँ भाई एक राउंड शोरूम का मारता हूँ, और फाइनली आ गया। तो जो चीज़ें हैं, बाकी डिलीवरी इसकी जानी थी 4x4 की, तो ये नहीं गई। अब पता नहीं क्या है कैसे है, अभी ये जो भाई जिसको ख़रीदना ट्रैक्टर ये वही जाने। बाकी बुक तो कर ही रखा, क्योंकि यार 4x4 बुकिंग पे ही आते हैं, सारे लोग को पता होगा कि उसके लिए भाई पेमेंट करना पड़ता है, पहले बुक करना पड़ता है, जो कि बिग अमाउंट, हमको लगता है कि लाख्स में। अब लाख्स में भाई आप 1 भी कर सकते हो और 8-10 भी कर सकते हो, जितना प्राइस है ट्रैक्टर का, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है।
बाकी फाइनेंस वाइनेंस का लफड़ा अपना अलग रहता है, अगर आपको कराना हो तो फाइनेंसर आपके घर जाएंगे, चेक करेंगे, वो चीज़ें अलग हो गई। बट ऐसे ही बुकिंग होती है और ऐसे ही भाई ट्रैक्टर आता है, तो फाइनली मैं देख लिया कि अभी गया नहीं है, बट देखो जल्द ही चला जाएगा। और भाई वो जाएगा तो फिर कोई दूसरा आएगा, और क्या पता भाई उसके पहले ही आ जाए। लेकिन ये ट्रैक्टर जिसने बुक किया था भाई, जेन्युइनली मैं एक चीज़ बताऊँ, उसके पहले एक कस्टमर आया वो लेके चला गया, मतलब जो जिस बंदे की ये बुक ट्रैक्टर है उसके पहले वो लेके जा नहीं रहा अभी, तो भाई दूसरा कस्टमर आया किसी ने और वो लेके चला गया। तो भाई फिलहाल अभी तक फिर से और दूसरा ट्रैक्टर मंगा लिया गया, और वो तो हो सकता है कोई भाई फैमिली प्रॉब्लम या कुछ, बहुत सारी चीज़ें होती हैं लाइफ में, चलती रहती हैं, तो जब सॉल्व हो जाता है तो इंसान जाता है, करता है, ले जाता है। तो ये सारी बातें रही होंगी। बाकी भाई साहब शोरूम पे जो है यही सब है, और आज भाई सोनू भी नहीं आया, मुझे लगता उसका तबीयत ख़राब है, तो धूप वगैरह हो रही है भाई, नए मौसम भी चेंज हो रहे हैं, तो फीवर वगैरह ये सब चीज़ें भाई, बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं सबको, तो धूप वगैरह बहुत तेज़ वाली हो रही है भाई, और हार्ड एकदम, तो इस वजह से भाई तबीयत ख़राब हुआ होगा। बाकी कल अगर मैं आया शोरूम और सोनू मिलेगा तो भाई कुछ सिस्टम अलग करेंगे। और भाई ये देखो, ये किसी के ट्रैक्टर का भाई बोनट है, ये हमको लग रहा भाई कोई एक्सीडेंटल ट्रैक्टर था, उसका बोनट यहाँ पड़ा है, और ये शायद भाई एक ट्रैक्टर था वो ब्रिज से ही गिर गया था, या कैसे क्या हुआ था, कुछ एक्सीडेंट हुआ था, तो वो उसी का पार्ट है। बाकी भाई साहब मैं आपको एक चीज़ और नई बता दूँ कि 4501 में देखो, अगर मैं लखनऊ गया, मैं लखनऊ जाने की प्लानिंग कर रहा हूँ, और अगर मैं लखनऊ गया तो भाई ये चीज़ तो नहीं हो पाएगा, बट अगर मैं नहीं गया लखनऊ तो भाई 4501 में अपने मैं ऊपर फाइबर वाला हुड लगवा दूंगा, मतलब यू पाइप तो ऑलरेडी लगी गई है लेकिन फाइबर वाला हुड नहीं लगा है, तो मैं उसको लगवा के और भाई प्रॉपर तरीके से लाइट वगैरह भी सेट हो जाएंगी, तो भाई थोड़ा डिफरेंट लुक आएगा, तो मैं यही सोच रहा हूँ। बाकी बहुत भाइयों ने कमेंट भी किया था तो ये कर लूँगा। बाकी एक भाई ने यार कमेंट किया था, मतलब एक नहीं कई लोगों ने कर चुका है इस कमेंट को, कि भाई आप आईफोन ले लो, आईफोन से वीडियो बनाओ, तो भाई मैं आपको बता दूँ कि प्लानिंग में हूँ उसी के ही, और थोड़ा कॉस्टली है, तो आप लोग सोच सकते हो कि भाई पैसे इकट्ठे करने पड़ते हैं, तो वो चीज़ें हैं। बाकी भाई पूरा एकदम फुल प्लानिंग में हूँ, और भाई आईफोन ले लूँगा, क्योंकि मुझे भाई इंस्टा पे रील वगैरह भी डालना रहता है, तो क्वालिटी वो अच्छी देता है आईफोन, तो अच्छी क्वालिटी के लिए लेना पड़ेगा, और बहुत जल्द लूँगा, तो भाई अच्छे अच्छे वीडियोज आएंगे। अभी भी मैं अच्छा ही वीडियो डालता हूँ आप लोगों के लिए अपने इस फ़ोन से भी, और तब और अच्छे आएंगे, थोड़ा और डिफरेंट आएगा। बाकी भाई इधर काफ़ी दिन से ट्रेलर भी नहीं आया, मतलब ट्रेलर भाई आया लेकिन मैं नहीं आ पाया था उस दिन, तो मैंने ट्रेलर पे शूट नहीं कर पाया वीडियो, और हमको लगता है कि एक दो दिन से नहीं आ पाया, एक दो ट्रेलर आ चुके ऑलरेडी, क्योंकि ट्रैक्टर जाते रहते तो नए ट्रैक्टर आते ही रहते हैं, तो वही वाली बात है कि मैं पहुंच नहीं पाया या कहीं बाहर रहा हूँगा, तो जिसके कारण भाई वीडियो नहीं बन पाई। बट अब जैसे ही आएगा ना ट्रेलर तो वीडियो डालूँगा, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए मैंने ट्रेलर पर वीडियो नहीं बनाया, ट्रैक्टर आए और ट्रेलर की वीडियो डालूँ, तो कोई ना अब बहुत जल्दी हो सके आ जाए 2-4-10 दिन में, तो भाई सिस्टम करेंगे हैंग ट्रेलर के साथ भी। और अभी भाई बहुत जल्द ही सुनने में आया है कि भाई राइस ट्रांसप्लांटर आ रहा है। अब भाई राइस ट्रांसप्लांटर आप लोग जान रहे हो कुबोटा कंपनी का किसी ने बुक किया है, तो मैं सोचा आज की वीडियो में ये भी न्यूज़ आपको दे दूँ कि भाई राइस ट्रांसप्लांटर आएगा, तो उस पर मैं प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा, वो भी ट्रेलर से ही आएगा, और ये बहुत ही नई चीज़ है भाई, यूनिक चीज़ है, और एक अलग ही टेक्निक है, कुबोटा वालों को तो आप लोग जान ही रहे हो कि डिफरेंट टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, जो कि भाई हर कोई नहीं, हर कोई कंपनियाँ नहीं कर पाती हैं, क्योंकि ये एक जापानी ब्रांड है। तो भाई राइस ट्रांसप्लांटर जैसे ही आएगा ना, उस पर भाई पक्का एक प्रॉपर वीडियो बनेगी और पड़ेगा चैनल पर, और काफ़ी चीज़ें बताऊंगा, प्राइस भी बताऊंगा आपको, परफॉर्मेंस भी बताऊंगा, डीजल इफिशियंसी, प्राइस वगैरह, मतलब सब कुछ इंक्लूडेड कर दूंगा, और भाई सारी चीज़ें बताऊंगा,
बाकी भाई जब वो खेत में चलेगा, क्योंकि गेहूं कट गए हैं और अब इसके बाद जब बारिश वाला जो मौसम आएगा, अगस्त अगस्त जून जुलाई अगस्त यही सब शायद होता है मौसम जिसमें भाई धान लगते हैं। तो भाई जब राइस ट्रांसप्लांटर उसमें चलेगा तो आपको भाई उसकी भी एक प्रॉपर वीडियो मिलेगी। तो आप लोग वेट करो थोड़ा सा, बाकी एक्साइटमेंट तो भाई उसके लिए काफ़ी ज़्यादा है राइस ट्रांसप्लांटर के लिए। तो भाई आप लोग को उम्मीद करता हूँ कि बहुत जल्द उसकी भी वीडियो मिलेगी और भाई जो नई चीज़ें हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा। बाकी अभी तो शोरूम का आप लोगों ने तो देख ही लिया क्या है कैसे है। आज की वीडियो यहीं पेंट करता हूँ और मिलता हूँ एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए भाई बाय बाय एंड टेक केयर।